बदलापुर एनकाउंटर के एसआईटी ने शुरू की जांच। पुलिस कमिश्नर ने 8 सदस्यीय जांच समिति बनाई। बदलापुर एनकाउंटर केस की होगी सीआईडी जांच। थाने पुलिस ने जांच करने की अपील की। बदलापुर एनकाउंटर के एफआईआर में बड़ा खुलासा। एफआईआर में अक्षय शिंदे पर गोली चलाने वाले अधिकारी का बयान। अक्षय ने एएसआई नीलेश मोरे से पिस्तौल छीनी थी। सबको मारने की बात कहकर अक्षय ने चलाई गोली। एएसआई नीलेश मोरे के पैर में अक्षय शिंदे ने मारी थी गोली। एफआईआर में पूरी घटना का जिक्र। हाईकोर्ट पहुंचा बदलापुर एनकाउंटर का मामला। मारे गए आरोपी अक्षय के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दी। आरोपी के पिता ने हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की। देरी होने पर सबूत नष्ट होने की आशंका जताई। पुलिस की थ्योरी पर परिवार ने उठाए सवाल। कहा अक्षय शिंदे को पटाखों से डर लगता था। वो पुलिस की बंदूक छीन नहीं सकता। मतलब वो एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मी से मिले शिवसेना सांसद नरेश मस्के अक्षय शिंदे से मुठभेड़ के दौरान हुए थे घायल। बदलापुर के आरोपी के एनकाउंटर के बाद मलाड में जश्न। लोगों ने बैंड बाजे के साथ जश्न मनाया। बदलापुर स्टेशन पर जश्न का माहौल। शिवसेना शिंदे गुट ने बांटी मिठाइयां। बैनर पर लिखा नराधम को सजा मिली सरकार का अभिनंदन। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर सियासत तेज। नाना पटोले बोले पुलिस एक के बाद एक कहानियां बदल रही। अक्षय शिंदे की मौत पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। विपक्ष को इस मुद्दे पर नहीं करनी चाहिए सियासत। फडणवीस बोले आरोपी की पूर्व पत्नी ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस वारंट लेकर उसे जांच के लिए ले जा रही थी। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर सीएम शिंदे ने कहा पुलिस ने आत्मरक्षा में यह कार्रवाई की। जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। बदलापुर एनकाउंटर के बाद के आरोपी के कथित एनकाउंटर पर संजय निरुपम का विपक्ष से सवाल। कि आपको नहीं लगता कि पीड़ित परिवार को न्याय मिला है? शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम बोले बच्चियों बेटियों पर गंदी नजर रखने वालों दरिंदों की आंखें फोड़ने का इंतजाम करना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही। पहले आत्महत्या फिर एनकाउंटर और पुलिस पर हमला।